अमेरिका और तालिबान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तालिबान ने बड़ी बात कही है। AFP के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वो फिर से अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई शुरू करेगा। हालांकि कतर में हुए अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते में कहा गया था तालिबान और अफगान सरकार बातचीत शुरू करेंगे, साथ ही अफगान सरकार 5,000 तालिबानी कैदियों को रिहा करेगी। लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि उन्होंने कभी 5,000 तालिबानी कैदियों को रिहा करने का वादा नहीं किया था। इसी के बाद सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता ने अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही।